हेलो स्टूडेंट, रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर टांडा अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 12 नागरिक शास्त्र जो कि कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी और पाकिस्तान में सैनिक सत्ता किस प्रकार स्थापित हुई तथा पाकिस्तान में पुनः लोकतंत्र किस प्रकार स्थापित हुआ। आज हम देखेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, सन 1947 से 71 ईस्वी तक, कब 1947 से 1947 से 1971 ईस्वी तक, इन दो इतने बीच में, यानी कि 1947 से 1971 ईस्वी तक, ये जो बांग्लादेश था ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। ये बांग्लादेश किसका हिस्सा था? पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। पूर्वी पाकिस्तान का ये बांग्लादेश हिस्सा था, जो क्या था कि भारत के बंगाल, किससे? भारत के बंगाल व असम, इन दो राज्यों से टूटकर बना था। भारत के बंगाल व असम इन दो राज्यों से टूटकर बना हुआ था ये पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन अनेक कारण, कुछ कारण ऐसे थे कि बांग्लादेश के जो लोग थे, बांग्लादेश जो था पूर्वी पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी सरकार से असंतुष्ट थे। हमने पहले बताया था कि जो स्थितियां थी भारत की, जो थी स्थितियां, ये इस तरह से हमने बताया था आपको कि भारत का जो भूभाग था, ये स्थितियां हमने ये भी बताया था आपको कि इस तरह से इसे स्थितियां बताया था हमने, तो जो भी है केवल समझने के लिए। एक आपका ये आपका आ जाता है पश्चिमी पाकिस्तान, और बांग्लादेश हमने बताया कि ये पूर्वी पाकिस्तान की श्रेणी में आता था। 1947 से लेकर 71 तक ये बांग्लादेश जो था, जिन्हें हम बांग्लादेश कहते हैं आप वर्तमान समय में, ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। और क्या था कि ये बंगाल, यहाँ जो बंगाल से और असम से ये टूट कर क्या हुआ था, बना था। भारत के बंगाल और असम से ये टूट कर बना हुआ था। लेकिन उन दिनों कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं या कुछ भाषाई समस्या ऐसी थी कि ये पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में क्या थी कि अहम समस्या विद्यमान थी। इस पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि ये पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, ये पाकिस्तान की सरकार से असंतुष्ट थे। वे जो समस्याएं थे, समस्या का जो कारण था, उसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं, जिनके इन बिंदुओं के माध्यम से हम देखेंगे कि वे कौन कौन सी समस्याएं थे। पहली समस्या थी कि उर्दू भाषा को लादना, पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा को लादना तथा बंगाली संस्कृत की उपेक्षा करना। यानी कि ये जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, ये चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे तथा उनके ऊपर उर्दू भाषा थोपने के खिलाफ, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर उर्दू भाषा जबरदस्ती थोपना का प्रयास करते थे, थोपते थे। पाकिस्तान के निर्माण के बाद यहाँ के लोग बंगाली संस्कृत और भाषा के साथ किए गए दुर्व्यवहार का इन्होंने विरोध किया। तो पहला कारण या तो ये था कि भाषाई विरोध, यानी कि भाषा के आधार पर इन्होंने क्या किया कि विरोध किया, क्योंकि यहाँ की जो भाषा थी पश्चिमी पाकिस्तान की, ये उर्दू थी, और यहाँ की जो भाषा थी ये बंगाली भाषा थी, इनकी संस्कृतियाँ कुछ अलग थी। तो ये क्या करते थे कि भाषाई विरोध, यानी कि यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार थी, ये पूर्वी पाकिस्तान में भी उर्दू भाषा को लादना चाहती थी, जिससे यहाँ के लोग असंतुष्ट थे और बांग्लादेश का एक अलग अपने स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना चाहते थे। दूसरा आपका राजनीतिक सत्ता व प्रशासन व्यवस्था में भागीदारी की मांग। ऐसी स्थितियां इनमें होती थी कि ये चाहते थे इस क्षेत्र की जनता प्रशासन व नियोजित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाए। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग ये प्रशासन में क्या चाहते थे कि समुचित, जो उचित हो
उतनी राजनीतिक सत्ता की भागीदारी की इन्होंने क्या किया, मांग किया, राजनीतिक सत्ता की भागीदारी की मांग की, हिस्सेदारी मांगी अपनी। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ इन्होंने क्या किया कि जनसंघर्ष शुरू किया, जिसका नेतृत्व जो कर रहा था शेख मुजीब कर रहा था। कौन कर रहा था? शेख मुजीब। शेख मुजीब इसका क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। कि इनकी मांग कर रहे थे कि यहाँ की राजनीतिक सत्ता में पूर्वी पाकिस्तान की लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इनकी शेख मुजीब, उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की, तो ये शेख मुजीब इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगला आपका बिंदु है 1970 का आम चुनाव। 1970 ईस्वी के आम चुनाव और शेख मुजीब को आगामी लीग में बहुमत। 1970 में आम चुनाव हुआ और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी, ठीक है, आवासी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। यानी कि 1970 में जो चुनाव हुआ उसमें शेख मुजीब को क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में सभी सीटों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। विजय प्राप्त हुई और क्या हुआ कि विजय प्राप्त होने के पश्चात संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब को क्या कर लिया गया उसी समय? गिरफ्तार कर लिया गया। शेख मुजीब को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया और जनरल याहिया खान ने सैनिक शासन में पाकिस्तान की पाकिस्तानी सेना में बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। लेकिन इसमें स्थितियां क्या हुई कि ये जब राजनीतिक सत्ता की 1970 का जो चुनाव हुआ तो शेख मुजीब पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर इन्हें विजय प्राप्त हुआ और इन्होंने क्या किया कि नए संविधान सभा का निर्माण करना चाहा और इस नए संविधान सभा के निर्माण में इस पश्चिमी पाकिस्तान के लोग की सरकार का इन पर दबाव था, जिससे इन्हें क्या कर दिया कि ऐसी स्थितियों को बंद कर दिया और क्या किया कि इन्हें क्या कर दिया गया और जनता जन विद्रोह हुआ और शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये क्या करते थे? स्वायत्तता की मांग करते थे और सैनिक शासन द्वारा इनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। अगला आपका आता है भारत में शरणार्थियों की समस्या। देखिए हजारों लोग जब पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए, पूर्वी पाकिस्तान के लोग जब पाकिस्तानी सेनाओं के हाथों मारे गए तो भारत में शरणार्थियों की भीड़ आ गई। जब भारत में शरणार्थियों की भीड़ आ गई तो क्या हुआ कि भारत तो खुद इतने शरणार्थियों को संभालने में सक्षम नहीं था, अतः भारत ने क्या किया कि बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया और 1971 ईस्वी में इसे स्वतंत्र भी कराया और बांग्लादेश, जिससे क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का 1971 ईस्वी में युद्ध भी हुआ। इसी बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि बांग्लादेश के निर्माण के बारे में 1947 से 71 ईस्वी तक बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान था और ये भारत के बंगाल और असम से टूटकर बना हुआ था। तो इनके सामने जो समस्याएं थी उसके जो कारण थे उसमें हमने बता दिया कि उर्दू भाषा को जबरदस्ती लादना, राजनीतिक सत्ता में भागीदारी की मांग। अगला हमने बताया 1970 का आम चुनाव। अगला हमने बताया कि भारत में शरणार्थियों की समस्या। तो इस प्रकार से हम इन बिंदुओं के माध्यम से बांग्लादेश के निर्माण के कुछ बिंदुओं का अध्ययन किए।